उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में आज नामांकन पत्रों की जांच के दौरान समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद एवं लोकसभा प्रत्याशी अक्षय यादव ने अपने ही चाचा व लोकसभा प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव का नामांकन रद्द करने की मांग कर डाली, जिसकी पूरी विस्तृत खबर हमने आपको दिखाई। लेकिन जिला मुख्यालय पर जो कुछ हुआ सो हुआ, उसके बाद राजनीतिक फायदे के लिए आनन फानन में समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करती हुई नजर आई। वहीं आनन फानन में शिवम रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता बुलाई गई। वहीं प्रेस वार्ता का नेतृत्व एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव ने किया था, तथा इस प्रेस वार्ता में सपा के वरिष्ठ नेता असीम यादव, अमनेन्द्र यादव, खालिद नसीर, समाजवादी सहित सभी ने भाजपा व प्रसपा पर तीखे हमले करते हुए कहा कि भाजपा की बी टीम है, प्रसपा या दोनों मिलकर सांसद अक्षय यादव चुनाव हराना चाहते हैं। इसके नामांकन पत्रों में कमियां थी। वहीं दोनों के नामांकन प्रपत्र एक जैसे भरे गए थे, लेकिन उसके बाद भी इसके नामांकन पत्रों को रद्द नहीं किया गया। आगे बोलते हुए डॉक्टर दिलीप यादव ने विस्तृत रूप से सारी घटना का वर्णन कर डाला और उन्होंने भाजपा के नामांकन पत्रों की जांच के समय सभी दलों के प्रत्याशी मौजूद थे, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी नदारद थे, जबकि उनका नामांकन फॉर्म आखिरी तारीख में भरा गया था। आखिर वह कैसे निश्चित हो सकते हैं कि उनका नामांकन पत्र बिल्कुल ठीक था? इन सारी बातों को कहते हुए सवालिया निशान लगाते हुए क्या कुछ कहा। वहीं समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने आप स्वयं सुनिए और स्वयं फैसला करिए कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन फिलहाल लोकसभा के इस दंगल में चाचा भतीजे की इस लड़ाई में जुबानी जंग अब तेज हो चुकी है। वहीं इस विषय पर जब हमारी बात डॉक्टर धर्म सिंह यादव एडवोकेट से हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चाचा शिवपाल के नामांकन में आई भीड़ को देखकर सांसद बौखला गए। साथ ही इस सवाल को हमने भी प्रेस वार्ता में पूछा, जिसका जवाब क्या मिला। किस तरह का आज डबरी में जो नामांकन वगैरह पे जो चेक हुए थे, सेट वगैरह पे क्या त्रुटियां निकली और कितने उसको देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की एक टीम है जो चुनाव लड़ी है यहाँ से वोट काटने के लिए। समाजवादी पार्टी उनका मकसद है वोट काट करके समाजवादी पार्टी को आराम है, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। मुझे उम्मीद है फिरोजाबाद की ईमानदार जनता से कि वो उनको जमानत जब्त कराने का काम है। और इससे पहले भी कुछ मेयर के चुनाव में भी वोट काटने का सौदा कर रहे हैं, कुछ लोग राजनीति नहीं कर रहे, वोट काटने का ठेका ले रहे हैं भाजपा से कि हम वोट कटवा के सपा का आपको जिताने का। लेकिन शहर की जनता इस बार उनको मुँह को जवाब देगी और माननीय सांसद अक्षय यादव जी ने जो विकास किए उस आधार पर यहाँ पर एक तरफा चुनाव होगा और एक तरफ सब होंगे और एक तरफ केवल समाजवादी पार्टी है। वकीलों के सामने, अधिकारियों के सामने, समाज के सामने कौन क्या कर रहा है, जरूरत ही नहीं आने। डॉक्टर साहब, वकील साहब जो हमारी बात हुई, धर्म सिंह यादव एडवोकेट है, उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था शिवपाल की भीड़ को देखकर सांसद जी बौखला गए, क्या मानना है इस बारे में? नहीं नहीं नहीं, सांसद जी कभी नहीं बौखलाते, बहुत धैर्य रखते हैं। जो कुछ लोगों ने वहाँ वोटिंग करने की कोशिश की, हमारे लोग भी नाई लाइन लगे, कहीं कोई ऐसी नहीं, सांसद जी कभी उत्तेजित नहीं होते, बहुत धैर्य से काम करते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा है कि सपा से उन्होंने अपना निष्कासन 27 मार्च को दे दिया है, सपा ये भी सब सामने जनता के आ जाएगा, हमारे बड़े नेता बताएंगे। आपके नामांकन में कोई कमी पाई नहीं? नहीं, हमारे सबसे पहले नामांकन हमारा पास, सांसद जी का कहीं कोई किसी तरह का नहीं। भारतीय जनता पार्टी और प्रसपा के नामांकन पत्रों में एक जैसा शपथ पत्र, एक जैसी त्रुटि और जो आरओ के कक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे और प्रसपा के नुमाइंदों की जो आपस की कोऑर्डिनेशन थी, आपस की केमिस्ट्री थी, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर अपने वफादार कार्यकर्ता की बलि देने के लिए, प्रसपा को वॉकओवर देने के लिए कैसे सिद्धांतों नीतियों से हटकर समाजवादी पार्टी के विकास के रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए कुचक्र रचा है, ये आज साफ साफ जाहिर हुआ है। जो ऑब्जेक्शंस के आधार पर तमाम निर्दलीय साथियों के पर्चे खारिज हुए, सेम उसी आधार पर हमारी मांग थी कि प्रसपा और भारतीय जनता पार्टी के पर्चे शपथ पत्र के आधार पर खारिज होने चाहिए, लेकिन केंद्र और प्रदेश की नाकारा सरकार के दबाव में ये ऐसा संभव नहीं हुआ। लेकिन पूरी
फिरोजाबाद लोकसभा की जनता आज मानसिक रूप से तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रसपा की दोनों को हराकर निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी को जिताने का मन बना चुकी है। लेकिन आज का जो ऑब्जेक्शन था वो केवल टेलर था। माननीय सांसद अक्षय यादव ने टेलर दिया था, हलक सूख गए थे दोनों दलों के नेताओं के। अभी तो चुनाव 23 को है, 23 तक आते आते मुझे लगता है गंगा में पानी बहुत गहरा बह जाएगा और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं जीतने के मुहाने पर खड़ी होगी। भारतीय जनता पार्टी और उसकी बी टीम ने किस तरह आज राजनीतिक शुचिता का, नैतिकता को किस तरह तार तार इसके उजागर करने के लिए हम अपने साथियों के साथ यहाँ आपके सामने हैं। विस्तार से पूरी बात हमारे साथी दिलीप यादव जी, अभिनीत जी और हमारे चंचल जी सीनियर लोग हैं वो सब रखेंगे। लेकिन फिरोजाबाद के सम्मानित और जागरूक मतदाता ये सारी चीज़ें समझें, इसके लिए ये प्रयास और उजागर करने के लिए हम लोग आपके सामने एकत्रित हुए हैं। बाकी विस्तार से दिलीप जी के चुनाव में जो नामांकन हुए थे सभी दलों के, उसमें 22 लोगों ने नामांकन किया, कुछ नजरिए थे कुछ पार्टियों से थे। उसमें आज जांच का दिन था, सभी नामांकन पत्रों की जांच हुई, सभी प्रत्याशियों को बुलाया था जिनको जो अपनी बात कहनी है या आपत्ति लगानी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर चंद्रसेन जी की तरफ से वहाँ कोई नहीं बोले थे। उन्हें पूर्ण भरोसा था कि सरकार हमारी है, हमारे नामांकन में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। जो प्रगतिशील पार्टी के नामांकन था उसमें और भाजपा के नामांकन में दोनों में बराबर गलतियां थी। जैसी उसमें गलती, एक इसमें ओथ वाला पेपर होता है, ओथ में जो उसमें कमी थी वो इसमें कमी थी दोनों लोगों की, और दोनों के नामांकन एक से भरे गए। बिल्कुल उसमें इतनी बड़ी कमी थी कि नामांकन पत्र भी कैंसिल हो सकता था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मूरा कुश्ती की तरह दोनों लोग की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, ये उजागर करने के लिए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए देवशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। जनपद इटावा के भरतना में DGCI लखनऊ टीम द्वारा भरतना के मोहल्ला मोतीगंज स्थित तंबाकू व्यवसायी अरविंद चौरसिया के आवास पर छापा मारकर करीब 30 घंटे से अधिक चली जांच पड़ताल में 7 करोड़ की नकदी सहित कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए। वहीं बीती रात्रि करीब 11:30 बजे आवास से बाहर आकर डायरेक्टर जनरल कस्टम इंटेलिजेंस लखनऊ के डिप्टी डायरेक्टर कमलेश कुमार ने पत्रकारों को बताया कि साई ब्रांड से जारी तंबाकू उत्पाद के उक्त कारोबारी पर 250 से 300 करोड़ की GST बकाया थी, जिस पर कारोबारी द्वारा 1.5 करोड़ रुपए जमा कर दिए गए थे। साथ ही उक्त कारोबारी के 10 ठिकानों जिसमें बरेली, शाहजहांपुर, आगरा, गोसाईगंज सहित भरतना स्थित गोदाम आदि शामिल रहे। वहीं डायरेक्टर श्री कुमार ने बताया कि आवास पर जांच पड़ताल के दौरान करीब 7 करोड़ रुपए की नकदी व कई दस्तावेज मिले, जिसमें मिली नकदी को स्थानीय भारतीय स्टेट बैंक शाखा में 3 बॉक्स में भरकर पहुँचा दिया गया। वहीं मिले दस्तावेज की और छानबीन की कार्यवाही की जाएगी। वही जानकारी देने के दौरान एडिशनल डायरेक्टर दिनेश कुमार आदि विभागीय अधिकारियों के अलावा कोतवाल महेंद्र प्रताप सिंह की मौजूदगी रही। मैं अपनी गाड़ी लेके आया हूँ, मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया है नहीं। बाकी जो यहाँ के स्टाफ है उनसे बात करके मैंने नहीं गिना, मेरा काम अंदर का है, बैंक के अंदर का कैश होता है उसको गिनता हूँ, बाहर का नहीं गिनता। ये जो कैश अंदर जा रहा है आपने गिनती करके नहीं गिना? मैं क्यों गिनूंगा, मैं तो अपने यहाँ अंदर जाऊँगा। अभी आप यहाँ दिन से क्या कर रहे हैं, क्या ड्यूटी थी आपकी? मुझे कोई ड्यूटी नहीं, कोई ड्यूटी नहीं, तो फिर यहाँ कैसे जा रहे हैं? बुलाया गया था। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सुबोध श्रीवास्तव के साथ गौरव गुप्ता की रिपोर्ट, भरतना इटावा।
जनपद सुल्तानपुर के गांव के मिश्री लाल इलाज कराने के लिए गए तो उनके खेत से 5 फीट मिट्टी की खुदाई कर ली गई। वहीं बेटे दिलीप ने माटी चोरी की शिकायत की तो सीओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि यह मामला राजस्व विभाग का है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए हरिओम गुप्ता की रिपोर्ट, सुल्तानपुर। पीस पार्टी द्वारा लोकसभा 2019 सामान्य निर्वाचन के लिए घोषित प्रत्याशी डॉक्टर हाफिज अली को उत्तर प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 59 गोंडा क्षेत्र से अब्दुल कादिर एडवोकेट मंडल अध्यक्ष सचिव पीस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए घोषणा की। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, गोंडा। जनपद सीतापुर के थाना सदरपुर क्षेत्र के बहराई सीतापुर मार्ग पर देवियापुर चौकी के निकट थाना अध्यक्ष सदरपुर धर्मराज उपाध्याय के नेतृत्व में सघन चेकिंग लगाकर आने जाने वाले वाहनों को रोककर लापरवाही से वाहन चलाने वाले लोगों से 50,000 रुपए वसूल किए तथा थाना सदरपुर पुलिस ने 100 सेंचुरी लगाकर राजस्व की झोली भरी, जिसे बगैर हेलमेट तथा बगैर सीट बेल्ट वाहन चलाने वाले चालकों को आगे से सीट बेल्ट लगाकर चलने की हिदायत दी। वहीं चेकिंग में लोगों ने सीट बेल्ट लगी होने की जिद भी की, परंतु पुलिस के मोबाइल की वीडियोग्राफी से दूध का दूध और पानी का पानी सामने आने से चालान कटवाया। वहीं चेकिंग के दौरान थाना सदरपुर उप निरीक्षक सुनील कुमार सिंह व अनिल कुशवाहा व हरि प्रकाश सिंह सहित कांस्टेबल अश्विनी ढाका, हेमंत कुमार बासु, प्रदीप कुमार यादव, नजरुल हसन, कमल किशोर, अमित मौर्य तथा महिला कांस्टेबल उजाला यादव, ऋचा वर्मा सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। यूपी 34 AT 34 41 पिकअप में काफ़ी मात्रा में सवारी यहाँ पे जो इसमें 20-25 सवारी लाद कर ले जा रहे थे, और उसके बाद यहाँ पर थाना अध्यक्ष धर्मराज जी उपाध्याय ने रुकवाया। रुकवाने के पश्चात वो गाड़ी लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे जो है पुलिस बड़ी मुस्तैद थी जो उसको भगाकर पकड़ा। पुलिस ने अपनी मुस्तैदी से जो है इस गाड़ी को पिकअप को रोका, और काफ़ी देखने वाली बात है काफ़ी यहाँ पे जवान थे, जबकि यहाँ महिला पुलिस भी हैं। यहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है। अब बताते चले, इसमें जो है अश्विनी ढाका कांस्टेबल ने अपनी मर्दानगी दिखाकर उस पिकअप को पकड़ा। सीट बेल्ट क्यों नहीं पहने? क्यों नहीं पहने बताओ? अब नीचे उतर के आ जाओ, गाड़ी खड़ी करनी है। आओ आओ उतरो, जल्दी आओ उतरो। कहाँ से आ रहे हो? कहाँ जाओगे? कई पैसे लेते हैं लोग? 20 रुपये। आप कहाँ से आ रहे हो? आ कहाँ से रहे हो? लखनऊ से? इसी गाड़ी पे? अच्छा, यहाँ से इस पे किससे आए हो? यहाँ विश्वास चढ़े हो आप? कहाँ जाओगे आप लोग? रेउसा? कई रुपये लेते हैं सवारी के? 20 रुपये। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए विनोद सोनी की रिपोर्ट, सीतापुर। जनपद फिरोजाबाद में शिवपाल ने लखनऊ में प्रसपा का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया तो उनके निर्वाचन क्षेत्र फिरोजाबाद में प्रसपा कार्यकर्ता नेता उत्साहित दिखे। आपको बता दें कि जनपद फिरोजाबाद में भतीजे अखिलेश यादव के चुनाव घोषणा पत्र जारी करते ही चाचा शिवपाल यादव ने भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का घोषणा पत्र जारी कर दिया। वहीं शिवपाल ने लखनऊ में प्रसपा का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया तो उनके निर्वाचन क्षेत्र फिरोजाबाद में प्रसपा कार्यकर्ता नेता उत्साहित दिखे। साथ ही प्रसपा नेता इसे देश को दिशा दिखाने वाला मैनिफेस्टो बता रहे हैं, जिसमें प्रसपा के प्रमुख मुद्दे कुछ इस प्रकार है। शिवपाल के घोषणा पत्र में सबसे बड़ा वादा मुफ्त शिक्षा ऋण है। उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारी होंगे स्थायी। साथ ही गन्ना समर्थन मूल्य 2.5 गुना बढ़ाया जाएगा। शिक्षा मुफ्त की जाएगी। मुसलमानों के लिए भविष्य निधि कमेटी बनाई जाएगी। सिंचाई मुफ्त की जाएगी। हज यात्रा के लिए नियमों का सरलीकरण होगा। दरगाह एक्ट बनाकर अवैध कब्जों पर रोक। युवा नीति बनाई जाएगी। साथ ही जिसकी जितनी भागीदार उसकी उतनी भागीदारी के आधार पर आरक्षण। गरीबों को मुफ्त मकान। उद्योगपतियों के लिए अतिरिक्त फोर्स बल बनाया जाएगा। पुरानी पेंशन बिल की बहाली होगी। बता दें कि शिवपाल यादव फिरोजाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए पहली बार चुनाव मैदान में प्रसपा के लिए फिरोजाबाद नाक का सवाल है। वहीं शिवपाल के सामने उनके भतीजे अक्षय यादव भी हैं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए देवशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। एटा से लोकसभा चुनाव को लेकर शिवपाल यादव जी के लोकप्रिय नेता रश्मि यादव का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई सीधी गठबंधन से, मैं शिवपाल सिंह यादव का सम्मान भी बढ़ाऊंगी और विकास भी कराऊंगी और जनता का दिल भी जीतूंगी और जनता का भरोसा मेरी पहली उपलब्धि होगी। मैं जीतूंगी, मुझे विश्वास है। एटा के प्रत्याशी रश्मि यादव से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एटा से हैं,
ये बताया जा रहा है कई कई सालों से समाज में जुड़ी हुई समाज कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई कई एक ऐसे मुद्दे उठा उठा करके अधिकारियों के पास पहुंचाते हैं। इसी तरीके से सुखपाल सिंह ने अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया। जी मैडम, आप क्या क्या मुद्दे लेकर पहुंचेंगी, वो क्या मानते हैं? बीजेपी ने जो वादे किए थे वो 5 वर्ष में कोई भी वादे पूरे नहीं किए, इसलिए जनता और किसान नौजवान गरीबों ने बिल्कुल बीजेपी को नकार दिया है। और हमारी लड़ाई जो है गठबंधन से है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट, एटा।